आगे देखो बेटा, गुण संधि दूसरा, स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। तो इसका नियम क्या है, यदि पूर्व पद के अंत में, अब आप समझ तो गए होगे पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद के अंत में अगर हो ए या आ, और तथा उत्तर पद में क्या हो पहला अक्षर ह्रस्वई दीर्घी ह्रस्व उ दीर्घ उ री या लि, अगर ये हो, बेटा ध्यान दो, पूर्व पद के अंत में हो ए या आ और उत्तर पद का पहला अक्षर क्या हो ई उ री लि हो, तो उनको क्रम से क्या हो जाता है, क्रम का मतलब है जैसे मैंने लिखा है पहले लिखा ई, तो ए या आ और उत्तर पद है ई, तो दोनों को मिला के हो गया बेटा ए। और अगर अब पहले इसी का उदाहरण देखो, ए प्लस ई क्या हो जाता है ए। अब उदाहरण है नर जमा में इंद्र है, नर र ए था बेटा अंत में पूर्व पद के और उत्तर पद में क्या आ गया ई रस्वई, तो ए और ई दोनों को मिला के बन गया ए, तो क्या उदाहरण तैयार हो गया बेटा नरेंद्र है। अब दीर्घी का उदाहरण आपके सामने, ए प्लस दीर्घ ई, तो इनको मिला के भी ए हो जाता है, तो गण ए था और उत्तर पद में ईश का दीर्घ ई है, तो ए और दीर्घ ई दोनों को मिला के बन गया ए, तो इस तरह से संधि होगी तो गणेश है। अब आ बताया, जैसे हमने कहा था पूर्व के पद के अंत में ए हो या आ हो, तो आ का उदाहरण है रमा प्लस इच्छा रसोई है, तो आ और ई को मिला के भी ए हो जाता है, तो रमय में हलंत रह गया था आ निकलने से, और आ ई का ए आके और मैं में आके मात्रा लगी रमे और पीछे बचा च और छा रमेच्छा, इस तरह से बना बेटा। और अगला उदाहरण है आ प्लस दीर्घ ई, अब जैसे है रा का प्लस ईश है, तो आ पूर्व पद के अंत में आ और ईश का ई, आ और ई को मिला के ए, तो इस तरह से बन गया बेटा राकेश है। अब आगे है ए और ऊ का उदाहरण है बेटा, मैंने बताया था कि पूर्व पद के अंत में ए या आ हो और ई हो तो ए हो जाएगा और ऊ है तो ओ हो जाएगा, तो अब जैसे है चंद्र जमा में उदय है, तो बेटा रे चंद्र रे पूर्ण है यहाँ पे दया अधूरा है, तो रे रे का ए और उदय का ऊ दोनों को मिला के बन गया ओ, तो इस तरह से संधि होगी चंद्रोदय है। अब आ और ऊ का उदाहरण है महा प्लस उदय है, तो आपको पूर्व पद के अंत में आ की ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो आ और उदय का ऊ दोनों को मिला के बन गया ओ, तो इस तरह से महोदय है। अब आगे उदाहरण है ए प्लस दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ का अब जैसे है बेटा जल प्लस ऊर्मी ही, तो ए और ऊर्मी का ऊ दोनों को मिला के ओ, तो इस तरह से बन गया जलोर्मी ही। आ और दीर्घ ऊ का उदाहरण है गंगा प्लस ऊर्मी ही, तो बेटा अंडरलाइन भी कर रखा मैंने, गंगा जो आ की मात्रा है आ आ है ये, आ और ऊर्मी का ऊ दोनों को मिला के बन गया ओ, तो इस तरह से बन गया गंगोर्मी ही। अब आगे री के उदाहरण है बेटा ए प्लस री, तो दोनों को मिला के बन गया अर। अब राज जमा में ऋषि, राज जय का ए और ऋषि का री दोनों को मिला के अर, रे हलंत होगा बेटा। अब जैसे मैंने नीचे और भी क्लियर करके बताया है जय जय का ए ऋषि, तो क्या बन गया अर। अब क्या शेष रहा, जैसे रा जय जय हलंत था और आगे ए और री का अर हो गया और पीछे बच्चा शी ही, तो जय हलंत है बेटा, तो जय में अर का ए मिलने से जय पूरा हो गया और रे जो है ये हलंत है, हलंत है तो बीच में तो रहेगा नहीं, तो जब रे आधा होता है तो वो अगले वर्ण के सिर पे चला जाता है, तो ये रे शी के ऊपर चला गया, तो इस तरह से बन गया राजर्षि ही। अब जैसे आ और री का उदाहरण है महा प्लस ऋषि ही, तो आ और री को मिला के अर, तो अब जैसे देखो महा आ निकलने से है हलंत रहा और आ और री का अर हो गया और पीछे शी था, तो वही आ गया बेटा है हलंत है, तो अर का ए मिलने से है पूरा और रे अधूरा तो शी के ऊपर चला गया, तो इस तरह से बन गया महर्षि ही।
अब इसी तरह से ए प्लस लरी तो दोनों को मिला के हो जाता है अल, तो तव प्लस लरीकार है, तव के व का ए और लरीकार का लरी दोनों को मिला के बन गया अल। तो देखो बेटा तव, तव ए निकलने से वह हलंत रह गया और व का ए और लरी का लरीकार का लरी दोनों को मिला के बन गया अल, तो वह हलंत अल और पीछे रह गया कार है। अब देखो तव वह हलंत है तो अल का ए मिलने से तो वह पूरा हो गया बेटा, और अल का ल हलंत है तो आधा ल और उसके बाद कार है, तो ये बन गया तवल कार है। अब इसी तरह से आगे है आ प्लस लरी दोनों को मिला के अल, अब जैसे था माला प्लस लरी कार है तो माला आ और लरी दोनों को मिला के अल। अब माला आ निकलने से ल हलंत था और आ और लरी को अल और पीछे शेष था कार है, तो ल अधूरा है तो ए आके मिल गया तो ल पूरा मा ल, और ल जो था बेटा अल का है तो ल में मिल गया, ल आधा रह गया तो ल आधा लिख दिया और पीछे कार है, तो इस तरह से हो गया मालल कार है।